हम पूछना चाहते हैं कि क्या 2014 के बाद से इस देश में लोकतंत्र कम हुआ है कि नहीं। मोदी ने यह समझ लिया है कि देश का एक वर्ग उनकी उस सोच से सहानुभूति रखता है कि मुसलमान हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने में विश्वास रखते हैं और देश को पाकिस्तान के हाथों में बेच भी सकते हैं। जो बात राहुल बाबा और केजरीवाल करते हैं वही बात इमरान खान करते हैं, जो बात इमरान खान करते हैं वही ये दो करते हैं। भी आपके बीच में रिश्ता क्या है, पटियाला वालों को जरा बता दो एक बार। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। विश्व का सबसे लोकतंत्र 2019 की वैश्विक रैंकिंग में 10 स्थान गिरकर 50वें स्थान पर आ गया। भारत का समग्र स्कोर एक वर्ष के भीतर 0 से 10 के पैमाने पर 7.23 से गिर 6.9 तक आ गया। 2006 के बाद ये देश का सबसे कम है। ये रिपोर्ट धारा 370 और अनुच्छेद 35 से दोनों को निरस्त करने और इस कदम से आगे बढ़ने के बारे में बात करती है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की, विभिन्न अन्य सुरक्षा उपाय किए और स्थानीय नेताओं को घर में नजरबंद रखा, जिनमें समर्थक भी शामिल थे। सरकार ने राज्य में इंटरनेट के उपयोग में भी कई बार प्रतिबंधित लगाए। असम में NRC अभ्यास ने 1.9 मिलियन लोगों को अंतिम सूची से बाहर कर दिया और कहा कि NRC से बाहर किए गए अधिकांश लोग मुस्लिम हैं, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि सूची से बाहर किए गए अधिकांश लोग बांग्लादेश के अप्रवासी हैं। उस देश की सरकार इससे इनकार करती है, रिपोर्ट में कहा गया है। कांग्रेस पार्टी भी इस बारे में जमकर सरकार की आलोचना कर रही है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या 2014 के बाद से इस देश में लोकतंत्र कम हुआ है कि नहीं। अगर मैं आपको 4 कसौटियां या मापदंड दूं, तो क्या आप नहीं समझते कि इन चारों में बहुत सीधा साफ नाप तोल कर सके वैसे गिरावट है। DI को छोड़ दीजिए तब भी। पहला है भय। क्या इस कसौटी में परिवर्तन है 2014 के बाद? मैं नहीं समझता कि अपने हाथ पे, हृदय पे हाथ रख के कोई व्यक्ति सच्चा उत्तर दे सकता है ना कहकर। दूसरा, असहिष्णुता, उसको इंटॉलरेंस कहें या अकोमोडेशन कहें, लेकिन अपने एक रंग में हर आदमी को रंग देना, ये असहिष्णुता जो है ये बड़ी है कि कम हुई है। तीसरा है द्वेष और प्रतिशोध की भावना। सत्तारूढ़ पार्टी में या विपक्ष में द्वेष और प्रतिशोध जो इस देश की संस्कृति नहीं रही कभी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में वो दोनों महिलाएं उनके सेंट्रल हॉल में इतनी आसानी से नहीं बैठ सकती और गपशप कर सकती हैं, पर न कि माननीय जियाउल हक जी और माननीय नवाज शरीफ जी वो कर सकते हैं पाकिस्तान के सेंट्रल हॉल में। जो हमारी देश की प्रथा रही है और जो किया है कभी वाजपेयी ने, कभी राजीव गांधी ने, कभी इंदिरा गांधी ने, कभी सोनिया गांधी ने। और आखिरी, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकरूपता। सब कुछ यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप जो बोलते हैं और मैं जो बोलता हूं, आप जो खाते हैं और ये जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं और वो जो पहनते हैं, तो ये एक बड़ा सीधा संदेश भेजता है that we are diminishing democracy in possibly the world's proudest democracy, certainly the world's largest democracy. मैगजीन द इकोनॉमिस्ट के नए कवर पेज पर भी विवाद शुरू हो गया है। मैगजीन ने नागरिकता कानून CAA और राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी कि NRC को लेकर भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कवर पेज पर कंटीली तारों के बीच भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल नजर आ रहा है। इसके ऊपर लिखा है, असहिष्णु भारत, कैसे मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जोखिम में डाल रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट ने गुरुवार को ट्वीट करते हुए लिखा, कैसे भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। आर्टिकल के टाइटल में PM नरेंद्र मोदी पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विभाजन का आरोप लगाया गया है।
उसमें लिखा है कि भारत के 20 करोड़ मुसलमान डरे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जुटे हैं। कई बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर मैगजीन की कवर पेज की निंदा की है। बीजेपी नेता विजय चौथाई वाले ने मैगजीन को अहंकारी और औपनिवेशिक मानसिकता का बताया है। इसके बारे में कुछ जानकारी वरिष्ठ पत्रकार अभिसार ने भी दी है, जिसमें वे इकोनॉमिस्ट द्वारा लिखे आर्टिकल के कुछ अंश को बताते हैं। मैं इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा है, मगर मैं उसका ये अंश आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा जो कई मायनों में चिंताजनक है। वो ये कहते हैं कि दुख की बात यह है कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पहचान पर विभाजन करने से बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा। ऐसे विषय पार्टी के काडर में ऊर्जा बनाए रखते हैं और वो एक निरंतर चलते स्टेट चुनावों में, जो राज्य स्तरीय चुनाव होते हैं, उसमें वरदान है। साथ ही वो देश के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने में भी मददगार साबित होता है। मसलन अर्थव्यवस्था, जो 23 मई को बीजेपी के फिर से चुने जाने के बाद बुरी हालत में है। मोदी ने यह समझ लिया है कि देश का एक वर्ग उनकी उस सोच से सहानुभूति रखता है कि मुसलमान हमेशा हिंदुओं को नीचा दिखाने में विश्वास रखते हैं और देश को पाकिस्तान के हाथों में बेच भी सकते हैं। यह उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए काफी है। भारत के बटे हुए विपक्ष और सिर्फ 37% वोट के बावजूद बीजेपी आसानी से चुनाव जीत गई थी। ये जितनी भी रिपोर्ट आई है इसमें बीजेपी द्वारा हिंदू मुस्लिम मुद्दे को बढ़ावा देना या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया को हिंद राष्ट्र बनाने की बात की गई है। बीजेपी पार्टी के नेता अक्सर विपक्ष को पाकिस्तान से मिला देते हैं। ऐसे हाल में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली चुनाव पर ट्वीट किया, जिसमें वे लिखते हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला होगा। इतना ही नहीं, अमित शाह भी कई बार विपक्ष को पाकिस्तान के साथ रिलेट कर चुके हैं। पूरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, सोनिया जी आपकी और मनमोहन सिंह की सरकार थी, कुछ करते नहीं थे, मौनी बाबा चुप बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। मोदी जी के समय हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम। मित्रों, मोदी जी ने ठीक किया या नहीं किया, जोर से बोलिए, ठीक किया या नहीं किया, इसका भी एक कांग्रेस एंड कंपनी, लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं सबूत कहां है, सबूत कहां है, और इमरान खान भी कह रहे हैं सबूत कहां है। ये सारे मुद्दों पर लालू प्रसाद, कांग्रेस, ममता, केजरीवाल, उनकी भाषा और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की भाषा एक ही दिखाई पड़ती है। बिहार वालों, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ता ये सबके बीच में रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। देश के हित की कोई भी बात करो इसका विरोध करते हैं। क्या होता है कई बार, यहाँ राहुल बाबा का स्टेटमेंट आता है, केजरीवाल जी का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन, अरे सुनो 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 सुनो, राहुल बाबा और केजरीवाल का स्टेटमेंट आता है, तुरंत दूसरे दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्टेटमेंट आता है। और आप दोनों स्टेटमेंट यूट्यूब पर देख लो, दोनों स्टेटमेंट एक समान है। मैं बहुत सोचता हूं इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, मेरी समझ में नहीं। जो बात राहुल बाबा और केजरीवाल करते हैं वही बात इमरान खान करते हैं, जो बात इमरान खान करते हैं वही ये दो करते हैं। भी आपके बीच में रिश्ता क्या है, पटियाला वालों को जरा बता दो एक बार। शायद इसी नफरत की वजह से जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में एक लड़का गोली लेकर पहुंचा और पुलिस के सामने जामिया यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्टर्स पर हमला भी कर दिया। पुलिस की बात करें तो शायद ये गोली चलने का इंतजार कर रहे थे। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये। इसके बाद ऐसी ही घटना शाहीन बाग में भी हुई। शाहीन बाग मामले में सामने आया कि एक लड़का गोली के साथ वहां पकड़ा गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसे एक नफरत भरा बयान सामने आया जो उन्होंने हाल ही में दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि बोली से नहीं तो गोली से मानेंगे ये लोग। लोगों ने कहा कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे दिल्ली से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, अन्य राज्यों से आएंगे, कौन सुरक्षा देगा। अरे हमने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना।
लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही, मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है, अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कुछ न कुछ सोचेगी, देश के आंतरिक हालतों को सुधारेगी और देश की छवि विश्व में फिर बेहतर करेगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।